हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एंड इट्स फंक्शंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का ये सेंट्रल बैंक है। ये मनी की सप्लाई को, मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी एस्टेब्लिश करता है, इवन बैंकिंग के ऊपर भी इसका पूरा कंट्रोल होता है। ये 1935 के अंदर सेटअप किया गया था। इसकी जो कैपिटल थी वो 5 करोड़ की थी, और जिसके अंदर शेयर जो था 100 रुपीज़ का था, वो सारी की सारी जो थी प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसका जो शेयर था, नॉमिनल वैल्यू 2,22,000 था, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि इसका गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर अपॉइंट कर सकती थी। लेकिन बाद में ये 1949 के अंदर ये नेशनलाइज हो गया, और जनरल सुपरिटेंडेंस एंड जो डायरेक्शन थी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, उसके अंदर 20 मेंबर्स होते हैं, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस होता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसके पास पावर होती है कि वो 10 डायरेक्टर जिनका कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है, उनको नॉमिनेट करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, 4 लोकल बोर्ड जो कि दिल्ली, बॉम्बे, कैलकटा, मद्रास के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ से 4 जो पर्सन हैं, उन 4 डायरेक्टर जो है वहाँ से ये नॉमिनेट करती है। जो लोकल बोर्ड होते हैं, इनके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 4 ईयर्स के लिए। उसके बाद हम करेंगे आरबीआई के फंक्शंस। आरबीआई के फंक्शन की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मॉनेटरी फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन एंड प्रमोशनल फंक्शंस। सुपरवाइजरी एंड प्रमोशनल फंक्शन जो होते हैं, नॉन मॉनेटरी फंक्शंस हैं। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, जिसके अंदर के मॉनेटरी बैंकिंग फंक्शन ज़्यादा आते हैं, जो आरबीआई है इसके पास ही अथॉरिटी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मनी की सप्लाई एंड कंट्रोल को आरबीआई ही रेगुलेट करता है, और आरबीआई के पास ही पावर होती है कि वो नोट्स इशू कर सकता है किसी भी डिनोमिनेशन के। 1 रुपी नोट और क्वाइंस एंड स्मॉल क्वाइंस जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, वो भी आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट के बिहाफ पे इशू करता है। इसका एक सेपरेट इशू डिपार्टमेंट होता है। इसकी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, बैंकिंग डिपार्टमेंट से सेपरेट होती है। और आरबीआई ने जब नोट इशू करने हैं तो इसके पास गोल्ड और फॉरेन रिजर्व जो है 200 करोड़ का होना चाहिए, जिसके अंदर जो है 115 करोड़ जो है गोल्ड के अंदर होना चाहिए, जिसको हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी कह देते हैं कि 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसके पास होना ही चाहिए। सेकेंड है, इट इज़ द बैंक टू द गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का एजेंट भी है, गवर्नमेंट का खाता भी इसके पास ही होता है, ये एडवाइज़र भी है। और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सब का अकाउंट इसके पास होता है। उसके एजेंट के रूप में भी काम करता है, एडवाइज़र के रूप में भी काम करता है, और ये आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिजनेस का भी रिकॉर्ड रखता है, ये उनके कैश बैलेंसेस को भी मेंटेन करता है, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देता, और गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ही पेमेंट रिसीव भी करता है, पेमेंट रिमिट भी करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट को हेल्प भी करता है, अगर नया लोन लेना है, कैसे वेज और मीन्स के द्वारा फिनांसिंग करनी है, उनको ये 90 डेज का एडवांस वगैरह भी प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट जितने भी मॉनेटरी के साथ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके अंदर ये उसको एडवाइस भी करता है। ये बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी है, कि अगर बैंक्स को पैसे की ज़रूरत है, अगर उनको कहीं पे भी नहीं मिलता, तो आरबीआई जो है उनको हेल्प आउट करता है। एवरी शेड्यूल्ड बैंक जो होता है, उसने अर्लियर पहले ये जितने भी उसकी डिमांड लाइबिलिटीज होती है, कि जो हमारे सेविंग या करंट अकाउंट्स होते हैं, उसका 5% जो है कैश के अंदर रखना होता था, और जितनी भी हमारी टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं, FDR एक्सेट्रा, उनका 2% जो होता था हमेशा RBI के पास रखना है। बाद में ये टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज़ को करी एग्रीगेट लाइबिलिटीज़ का कर दिया गया था, और ये समय समय पर चेंज भी करता रहता है। अभी जो रेशियो है वो 4% है। इवन जो आरबीआई है, ये क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। ये जितने भी शेड्यूल बैंक्स होते हैं, उनका
कुछ पोर्शन जो है अपने पास कैश की फॉर्म में रखता है, इवन बैंक्स के जो क्रेडिट ऑपरेशंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। इवन जो बैंक्स नए खुलने हैं, हर एक बैंक को आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है तभी वो ओपन हो सकता है। इवन ये बैंक को नीड मतलब जब ज़रूरत होती है फिनांस की तो उनको रीडिस्काउंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन भी है। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें स्टेबिलिटी लाए, उसको मेंटेन करे, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के अंदर जितने भी देश हैं उनके साथ भी अपना ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन करके रखे। जो इंटरनेशनल करेंसीज है उसको भी ये रिजर्व मेंटेन करके रखता है। इवन एक्सचेंज कंट्रोल को भी ये लागू करता है। उसके बाद है इसके सुपरवाइजरी फंक्शन जो कि नॉन मॉनिटरी फंक्शंस हैं, और इसका मेन जो काम होता है कि बैंक्स की सुपरविजन करना, उनकी प्रमोशन करना। 1934 एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक जो आरबीआई है इसके पास बहुत सारी वाइड पावर्स है। सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी एक्सपेंशन, उनकी लिक्विडिटी, उनकी मैनेजमेंट, उनकी मेथड ऑफ वर्किंग, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, सबके ऊपर ये कंट्रोल रखता है। और आरबीआई जो है समय समय से पीरियोडिकल इंस्पेक्शन भी करता है, उनसे इंफॉर्मेशन भी मांगता है। इवन जब 1969 के अंदर 14 मेजर इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे तो उसके बाद भी आरबीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि वो इनको डायरेक्शन एंड ग्रोथ की सेंस भी प्रोवाइड करे। उसके बाद है प्रमोशनल फंक्शंस। इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट का रोल भी प्ले करता है। ये लोगों के अंदर बैंकिंग को मोटिवेट करता है कि बैंकिंग हैबिट्स डेवलप करे, बैंकिंग फैसिलिटी रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया के अंदर भी प्रमोट करता है, और नई न्यू स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज भी खोलता है ताकि वो इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कर सके, एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड कर सके, बैकवर्ड एरिया के अंदर जो लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड कर सके। इसके अंदर जो मेजर इसरो ने एजेंसीज सेटअप की गई है जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IFCI एंड SFC, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन 1962, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन 1964, एग्रीकल्चर रीफिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन 1963, इंडस्ट्रियल रीफिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन 1972।